हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट इन कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़। सो अंडर दिस यूनिट, दिस यूनिट नंबर 5 इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एंड अंडर दिस यूनिट देर आर 13 सब टॉपिक्स, इन विच द फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी डिसऑर्डर। सो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, मेनली आई विल बी फोकसिंग ऑन प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस, कवाशिकर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, as we all know, the nutritional deficiency disorder, under which it is also known as protein, energy, malnutrition, or protein, energy, malnutrition, under which we are going to discuss marasmus and kavoshkar. Okay, so what is protein, energy, malnutrition? The term protein, energy, malnutrition refers to a group of related disorders that include marasmus, kavoshkar and marasmic kavoshkar. Okay, so protein, energy, malnutrition जो है ये एक group of related disorders है, मतलब ये एक disorder नहीं है but एक group of related disorders है जो कि include करता है marasmus, kavoshkar and marasmic kavoshkar को। ठीक है, अब हम बोलते हैं marasmus होता क्या है। जो ये marasmus है, the term is derived from Greek word marasmos which means withering or wasting. Marasmus occurs due to inadequate intake of protein and calories and is characterized by emaciation. मतलब जो marasmus है, इसको हमने ग्रीक वर्ड से derive किया है जिसका नाम है marasmos, जिसका मतलब है withering और wasting. Commonly muscle wasting इसमें होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये inadequate protein खाने की वजह से होता है या inadequate intake of calories की वजह से होता है। So इसके बाद हम लोग बोलते हैं कवाशकर क्या होता है। कवाशकर जो है, द वर्ड मीन्स सिकनेस और ऑफ वीनिंग, मतलब ये बीमारी जो है ये वीनिंग से रिलेटेड होती है, जब हम बच्चे की वीनिंग कराते हैं। ठीक है, कवाशकर इन्वॉल्व्स इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडिमा। सिकनेस और वीनिंग के साथ साथ ये भी होता है, क्यों? क्योंकि जब इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन होता है। अब हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ PEM हम कैसे करेंगे, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन हम क्या कैसे करेंगे। सो ये स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पे जिसकी बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहला है वेट फॉर एज क्लासिफिकेशन बाय गोमेज ने ये दिया था, ये वाली क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसने बोला वेट जब हम रखते हैं पर्संस में, तो वेट ऑफ चाइल्ड बाय वेट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ सेम एज इंटू 100 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है एक्यूरेट वेट उसकी एज का। ठीक है, फिर इसने बोला 90% इज इक्वल टू नॉर्मल स्टेटस, 76-90% फर्स्ट डिग्री माल न्यूट्रिशन हमें आता है, 61-70% जो है वो सेकेंड डिग्री माल न्यूट्रिशन में आते हैं, ग्रेटर और लेस देन 60% थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन में आते हैं। फिर दूसरा था वाटर लॉस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट फॉर एज, इसने बोला हाइट फॉर एज हम लोग ऐसे ही करते हैं, हाइट ऑफ द चाइल्ड बाई हाइट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज इंटू 100। ठीक, इसने बोला ग्रेटर देन 95% इज कॉल्ड नॉर्मल, 90-95% माइल्ड न्यूट्रिशन, 85-90% जिनका होगा उनका मॉडरेट, लेस देन 85% का हम लोग बोलते हैं सेवियर माल न्यूट्रिशन। उसके बाद ऐसे ही क्लासिफिकेशन दी थी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ऑन द बेसिस ऑफ वेट फॉर एज। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मोर देन 80% जो ये इन्होंने बोला वेट ऑफ मोर देन 80% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट ऑफ फॉर एज एज नॉर्मल, द ग्रेड्स ऑफ माल न्यूट्रिशन आर ग्रेटर देन 80% नॉर्मल, 71-80% ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन, 61-70% ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन, 51-60% ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन एंड ग्रेटर और लेस देन 50% जिनका है वो ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है वेलकम टू द ट्रस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट फॉर एज एंड प्रेजेंस ऑफ एडिमा। इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन इनकी, इन्होंने बोला
कवाशिकर जिनका वेट फॉर एज 60-80% का होगा वेट, इनका एडिमा इनमें प्रेजेंट होता है। इसी तरह इन्होंने बोला अंडर न्यूट्रिशन जिनका होगा सपोज 60-80% उनमें एब्सेंट होता है एडिमा। मैरास्मस में अगर ग्रेटर देन 60% हुआ तो एब्सेंट होगा, लेस देन 60% हुआ तो प्रेजेंट होगा। अब हम पढ़ेंगे WHO की क्लासिफिकेशन इसके बारे में। WHO जो था उसने बोला कि उसने माल न्यूट्रिशन को डिस्क्राइब किया थ्री टर्म्स के अंदर, ठीक है, तीन टर्म्स के अंदर उसने डिफाइन किया अंडर फाइव चिल्ड्रंस, ठीक है। उसने बोला जो ये बच्चे हैं जिनमें सफ़र करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, उनमें तीन चीज़ें होनी है तभी जाके हम बोलेंगे इनको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। उन्होंने बोला पहला पॉइंट है स्टंटिंग, फिर बोला अंडरवेट, फिर थर्ड पॉइंट वेट वेस्टिंग। अब जो स्टंटिंग है इट इज़ डिफाइंड एज हाइट फॉर द एज बीइंग टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो फ्रॉम मीडियम हाइट फॉर एज गिवन इन NCHS रेफरेंस पॉपुलेशन। अंडरवेट में इसने क्या बोला, इफ़ वेट फॉर एज इज़ टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो फ्रॉम मीडियम वेट फॉर एज गिवन इन NCHS रेफरेंस पॉपुलेशन इट इज़ टर्म्स एज अंडर न्यूट्रिशन। वेस्टिंग में इसने बोला इफ़ द वेट फॉर हाइट इज़ टू स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो फ्रॉम मीडियम वेट फॉर हाइट गिवन इन NCHS रेफरेंस पॉपुलेशन इज़ टर्म्ड एज वेस्टिंग। अब इटियोलॉजी, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्यों होता है और कैसे होता है, बोलते हैं कि जो द इटियोलॉजी ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ मल्टीफैक्टोरियल, ये एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है, इट इज़ मेनी फैक्टर्स। वर्ल्ड वाइड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इज इनएडिक्वेट फूड इनटेक। प्री स्कूल एज चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफन एट रिस्क फॉर माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर फूड। इंक्रीज प्रोटीन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इमेच्योर इम्यून सिस्टम कॉजिंग अ ग्रेटर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू नॉन हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। सो अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इफेक्टिव वीनिंग सेकेंडरी टू इग्नोरेंस इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। द प्रोग्नोसिस इज वर्स व्हेन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ऑकर्स विद HIV। अगर HIV के साथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो ये बहुत वर्स सिचुएशन है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्ट्स कैन ऑफन प्रेसिपिटेट क्लिनिकल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड डायरिया एनोरेक्सिया वॉमिटिंग इंक्रीज। जब किसी बच्चे में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होते हैं उसको परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसको लॉस ऑफ ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस प्ले ए मेजर रोल इन कॉजिंग माल न्यूट्रिशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन डेवलपिंग कंट्रीज इन एडुकेट फूड इनटेक इज लेस कॉमन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज ऑफन कॉज बाई डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। दस इन डेवलपिंग कंट्रीज डिजीज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रॉनिक रीनल फेलियर चाइल्डहुड मेलिग्नेंसी कंजुनाइटल हार्ट डिजीज एंड न्यूरोमस्कुलर डिजीज कंट्रीब्यूट टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं जो डाइट इनअप्रोप्रिएट होता है, मतलब किसी बच्चे को फूड एलर्जीज होती है, साइकेट्रिक डिजीज होती है जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा कैन ऑल्सो लीड टू सेवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब पहला पॉइंट है इसमें मैरास्मस। मैरास्मस के बारे में जब हम पढ़ते हैं मैरास्मस की क्लिनिकल फीचर्स क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि एक बच्चे को मैरास्मस है, ठीक है। सो द मैरास्मस इज अ सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल इन चिल्ड्रेन कैरेक्टराइज्ड बाई संक इन फीचर्स लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड बॉडी वेट विच इज बिलो 60% ऑफ द expected weight for age. It occurs due to deficiency both calories and protein. The clinical features of marasmus are as follows: growth retardation, severe muscle wasting and loss of subcutaneous fat resulting in emaciation and stunting. The contour of atrophic muscle is evident under thin and wrinkled skin. Skin appears dry, scaly, inelastic and is prone to infection. Hair are hypopigmented and appear dull brown or yellow in color. Abdomen is distended due to muscle wasting and hypotonia of abdominal wall muscles. Mid-arm circumference is reduced. Bony point appear undoubtedly prominent due to emaciation. Child may be alert but irritable. Marasmic children may show voracious appetite. ठीक है, the face of child takes an aged look due to loss of subcutaneous fat of cheeks, buccal pads. So
उसके बाद है, और इसमें इनमें क्या होता है कि जैसे आप डायग्राम में देखते हैं ये नॉर्मल हेयर है, ओल्ड मैन फेस इनमें होता है, थिन मसल मसल्स होते हैं और थिन फैट होता है, ठीक है, टर्गर स्किन का बहुत लूज होता है, ठीक है, नो एडिमा, मैरास्मस चाइल्ड में एडिमा नहीं होता है, टेम्परेचर इज यूजली सब नॉर्मल एंड पल्स इनका स्लो होता है। अब कैरोश कावाशकर हम कैसे पहचान सकते हैं, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ पर्सन सॉरी अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कावाशकर, कावाशकर इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, द क्लिनिकल फीचर ऑफ कावाशकर इंक्लूड फेलियर टू थ्राइव, बच्चा नहीं सर्वाइव कर पाता है, एडिमा, मून फेसेस, पॉट बेली और प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, ठीक है, मसल वेस्टिंग ऑफ अपर लिम्स बट लोअर लिम्स आर स्वोलन, मसल वेस्टिंग इज मार्क्ड एज वेल प्रिजर्व्ड सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड एडिमा, चाइल्ड इज पीविश इरिटेबल लेथर्जिक लिस्टलेस एंड एपथेटिक, फैटी लिवर इज सीन, नेल पैलेट्स आर थिन एंड सॉफ्ट एंड मे बी फिशर और रिज्ड, एट्रोफी और पैपले ऑन द टंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जीरोथैल्मिया हो गया कि जीरोथैल्मिया की डेफिशिएंसी जो है इसमें ये टीयर्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, मतलब अ कंडीशन इन विच आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स, जीरोथैल्मिया वो कंडीशन होती है आई की जिसमें आई अनेबल होती है टू प्रोड्यूस टीयर्स। फिर है दूसरा, हेयर चेंजेस आर वेरी प्रोमिनेंट, हेयर बिकम्स थिन ड्राई डली ब्रिटल इजिली प्लकेबल हाइपर पिगमेंटेड एंड स्ट्रेट, द लेंथ ऑफ हेयर दैट ग्रोज ड्यूरिंग दिस पीरियड अपीयर रेडिश ब्राउन वाइल द हेयर ग्रोइंग अर्लियर एंड अप्रोप्रिएट पिगमेंटेड, तो दिस गिव्स द हेयर एंड अपेयरेंस ऑफ ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ हाइपो पिगमेंटेड नॉर्मली पिगमेंटेड हेयर, दिस इज नोन एज फ्लैग साइन, द चाइल्ड हैज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, इस बच्चे में लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। इसके बाद जो है दूसरा वो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस हम लोग कैसे इस बच्चे में कर सकते हैं, ये जैसे कि आप लोग देखते हैं ये बच्चा जो है ये कावाशकर बच्चा है, इसका देखिए आप जो ये है स्टमक इसका है ये प्रोट्रूडिंग है, एब्डोमेन जो इसका ये प्रोट्रूडिंग है बाहर की तरफ है, इसके लोअर लिम्स में क्या है स्वोलन है इसके लोअर लिम्स, ठीक है, इसमें मसल वेस्टिंग ज़्यादा है, ठीक है, चाइल्ड जो है ये इरिटेबल दिख रहा है जैसे कि आपके फेस इसके फेस पे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, तो WHO ने बोला द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोस्टिक ऑफ PEM थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हेल्थ हिस्ट्री मस्ट बी टेकन, पहले हमें एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है थॉरो वो भी एंड हेल्थ हिस्ट्री मस्ट बी टेकन, एंथ्रोपिक मेट्रिक मेजरमेंट्स रिवील्स रिड्यूस फॉर वेट फॉर एज, जैसे कि मैंने आपको वो बोला क्लासिफिकेशन वेट फॉर हाइट एंड हाइट फॉर एज, पेरिफेरल ब्लड फिल्म हमें इसकी लेनी है जिसमें हमें माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक RBCs को चेक करना है, स्टूल एग्जामिनेशन हमें लेना है, हमें देखना है इसमें मत प्रेजेंस ऑफ ओवा एंड पैरासाइट्स है, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन हमें लेना है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया मत है इसमें, सीरम एल्ब्यूमिन एस्टिमेशन लेना है हमें कि इसमें हाइपो एल्ब्यूमिनिया मत है, ब्लड हीमोग्लोबिन हमें लेना है, इन बच्चों में वो लो होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एस्टिमेशन इट रिवील्स हाइपोकलीमिया हाइपोमैग्नीशीमिया हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, सीरम कोलेस्ट्रॉल इट इज़ लो, जब जो बच्चे इन बीमारियों से सफ़र होते हैं उनमें सीरम कोलेस्ट्रॉल लो होता है और क्या लो होता है ब्लड हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड pH मेटाबॉलिक बियर प्ले जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी इसमें प्रेजेंट होगा, यूरिन एग्जामिनेशन शोज डिक्रीज यूरिन एक्सर्शन ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोलाइन रिफ्लेक्टिंग इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड वाउंड हीलिंग, ऑल्सो देयर इज इंक्रीज यूरिनरी मेथाडेस्टिन विच रिफ्लेक्ट्स मसल ब्रेक डाउन एंड कैन बी सीन इन मैरास्मस। अब मैनेजमेंट हम लोग इनका क्या देंगे, जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है इसका मैनेजमेंट, द पेशेंट इज इवेल्युएटेड फॉर सिवियरिटी ऑफ PEM एंड अदर न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज लाइक आयरन डिफिशेंसी लीडिंग टू एनीमिया फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज, केयरफुल सर्विलेंस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं प्रमोशन ऑफ फूड इनटेक विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड फैसिलिटेट्स रिहैबिलिटेशन, एपिडेमोलॉजिकल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन आर कंसिडर्ड एंड अटेम्प्ट इज मेड टू एलिमिनेट देम, मैनेजमेंट ऑफ PEM कैन बी डिवाइडेड इंटू टू फेजेस इनिशियल फेज एंड रिहैबिलिटेशन फेज, इनिशियल फेज में जो है ये 1 to 2 weeks का होता है, इसमें हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी
रिवर्सल ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज, बिगनिंग ऑफ फीडिंग्स। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में हम लोग एक एक्रोनियम लेते हैं जिसको हम शील्डेड के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं, जिसका एस फॉर शुगर लेवल ऑफ ब्लड लेवल ब्लड इज लो, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोथर्मिया होता है, आई फॉर इन्फेक्शन, ई एल फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज, डी ई फॉर डिहाइड्रेशन एंड डी फॉर डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाइपोग्लाइसीमिया, इस बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है, इसका ब्लड ग्लूकोज ग्रेटर देन 54 mg/dL होता है। टू प्रिवेंट डेथ ऑफ द चाइल्ड टू हाइपरग्लाइसीमिया 10% ग्लूकोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन डोज ऑफ 5 to 10 एंड बॉडी वेट। हाइपोथर्मिया इनमें होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बच्चे को हमें इंक्यूबेटर या रेडियंट वार्मर पर रखना चाहिए। ओल्डर चिल्ड्रन में भी कवर्ड इन वार्म ब्रैकेट्स एंड रेक्टल टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड। इन्फेक्शन इनमें ज़्यादातर होता है सेप्टिसीमिया कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म लाइक कैल्बसेलिया, सेल्मोनेला एंड अदर ऑपरचुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो हमें एंटीबायोटिक्स इनको प्रोवाइड करना है, इनके टेस्ट करने हैं, ब्लड कल्चर वगैरह, इसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस इन बच्चों में होता है, तो चिल्ड्रंस विद इनमें ये होता है सिवियर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि हाइपरनेट्रोपिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। तो फर्स्ट इनिशियल फेज में हमें क्या करना चाहिए, सॉल्ट हमें इनका रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि सोडियम ओवरलोड ना हो जाए, वाटर और वाटर रिटेंशन लीडिंग टू एडिमा। सीवियर मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन विद पर इम्पोजिड डायरिया और इन्फेक्शन में डेवलप हाइपोक्लीमिया, इट मस्ट बी ट्रीटेड विद पोटेशियम सप्लीमेंटेशन इन डोज ऑफ 30 to 40 mEq/L। हाइपोकैल्शीमिया इज मैनेज्ड बाय कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। उसके बाद डिहाइड्रेशन के लिए हमें इनको ORS देना चाहिए जैसे कि आप लोगों को पता है। तो उसके बाद डिफिशेंसीज इनकी दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर इनमें वाइटामिन ए डिफिशेंसी है जिसकी वजह से इसको कैरेटो मलेशिया हो सकता है, मतलब कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो हमें इनमें विटामिन ए को एडमिनिस्टर करना चाहिए सिंगल डोज ऑफ 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 1 lakh ऑफ इंटरनेशनल एंड 2 lakh IU फॉर इन्फेंट्स बिलो 6 months एंड 6 to 12 months बच्चों के लिए 1 year ऑफ एज रिस्पेक्टिवली। इनिशिएशन ऑफ फीडिंग हमें देनी चाहिए बेस्ट, मतलब बिगनिंग ऑफ फीडिंग, एनर्जी डिफेंस फीडिंग, स्टिमुलेशन ऑफ इमोशनल सेंसरी डेवलपमेंट, ट्रांसफर ऑफ होम बेस्ड डाइट बिफोर डिस्चार्ज। फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल, इफ ऑरल फीडिंग इज नॉट पॉसिबल हमें एनजी ट्यूब फीडिंग करना चाहिए। इसको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देनी चाहिए फर्स्ट 2 days, फिर 6 feeds ऑन द 3rd-7th day। मिल्क बेस्ड डाइट देना चाहिए, शुगर एंड ऑयल हमें मिक्स करना चाहिए टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो ऐसे ही हम लोगों को इनका प्रोटीन वगैरह जो है वो सब मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद इसमें आता है रिहैबिलिटेटिव फेज। रिहैबिलिटेटिव फेज जो है ये 2 to 6 weeks का होता है। रिकवरी ऑफ लॉस्ट वेज मैनेजमेंट ये जो बेसिस होता है ये फोकस करता है रिकवरी ऑफ लॉस्ट वेज, इमोशनल एंड फिजिकल स्टिमुलेशन टू द चाइल्ड, ट्रेनिंग द मदर फॉर डोमिसिलरी केयर, प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज। उसके बाद आता है हमारा रिकवरी फॉर डिस्चार्ज। अब हमें हम बच्चे को कब मतलब डिस्चार्ज करें, जब इसका रिटर्न मतलब इसको भूख लगना स्टार्ट हो जाए, डिसअपेरेंस ऑफ हेपेटोस्पिन और मैगेली, गेन इन बॉडी वेट, एब्सेंस ऑफ एडिमा, राइजिंग सीरम एल्ब्यूमिन लेवल। इट मे टेक 6 to 8 weeks फॉर अ चाइल्ड टू रिकवर। द चाइल्ड मस्ट बी रिव्यूड फॉलो अप पीरियोडिकली फ्रॉम 8 to 36 weeks आफ्टर डिस्चार्ज। प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन एट फैमिली लेवल, हमें पहले फैमिली लेवल मेन जो है बच्चे को घर से स्टार्ट करना है कि वी शुड अवेयर मदर अबाउट exclusive breastfeeding for 6 months of age. Weaning must be started at the age of 6 months. Milk, egg, meat, food items of high biological value हमें बच्चे को देना है. Immunization हमें करना है ताकि इसके communicable disease prevent हो. Birth spacing should be followed. ठीक है, family planning. Okay, birth spacing here means family planning. Prevention at community level हमें we should like promote education and literacy in community, nutrition education to people, family planning services, integrated health packages, immunization like ये सब chemo prophylaxis, rehydration periods, ORS हमें इनको देना चाहिए, growth monitoring, early detection of malnutrition and early intervention, prevention or at national level. अब national level पर हम लोग कैसे prevent करेंगे, government इसका मतलब है कि government ने क्या steps लिए हैं, nutritional surveillance करना है, iodinization of salt, common salt, fortification of food, nutritional rehabilitation services, provision of nutritional supplements for infants and children's. So guys, ये था हमारा protein energy माल न्यूट्रिशन के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।